good morning students in our last class we have studied the structure of plants right in that we have seen the portion of the plant that is visible to us is called as the shoot system while the portion of the plant which is not visible to us and which is under the soil is called as root system right so today we are going to start <coughs> study uh, that the root system in detail, okay. So, we are going to study the root system in detail in our today's class. Basically, root system is that system of the plant which is not visible to us, or uh, we can say which is under the soil. That system is called as root system, right? So, root is a non green plant of the uh, part of the plant. इट इज इट नॉर्मली रिमेन्स अंडरग्राउंड एंड फिक्सेज द प्लान्टू द सॉइल रूट एक नॉन ग्रीन प्ला पार्ट होता है प्लांट का आ, मतलब ऐसा पार्ट जो कि ग्रीन कलर का नहीं होता है राइट इट नॉर्मली रिमेंस अंडर ग्राउंड एंड फिक्सेज द प्लान्टू द साइल और ये वाला जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड रहता है मतलब सॉइल के अंडर रहता है एंड इट इज़ नॉट विजिबल टू अस राइट right? और ये पार्ट क्या काम करता है यह पार्ट फिक्स करने का काम करता है प्लांट को सॉइल से सो so, प्लांट को सॉइल से फिक्स करने का काम कौन करता है रूट सिस्टम ओके सो प्लांट रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं द फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज फाइबरस रूट ओके सो वॉट डू वी मीन बाय टेप रूट एंड वॉट डू वी मीन बायर फाइबरस रूट दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ सो फर्स्ट वन इज द टेप रूट सो वॉट डू वी मीन बाय टैप रूट द प्लान्टज मेन रूट कॉल्ड टैप रूट प्लान्ट जो मेन रूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं टेप रूट इट ग्रोज स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स डीप इन टू द Soil, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है एज़ यू कैन सी हियर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इट इज़ बरीड और ये कैसे ग्रो uh, करती है इट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड डी वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधे और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ तो ये सॉइल uh, के नीचे बिल्कुल सीधे सीधे ग्रो करती है राइट इट गिव्स आउटवर्ड ब्रांच विच आर कॉल्ड लेटरल रूट्स और इसकी आउटवर्ड ब्रांचेस भी होती हैं मतलब एक मेन रूट और उसकी जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनको बोला जाता है लेटरल रूट्स ओके द मेन टैप रूट इज थिकर देन द लेटरल रूट और जो मेन रूट होती है वो थिकर होती है एज कंपेयर टू द लेटरल रूट्स थिकर मीन्स मोटी होती है एज कंपेयर टू द ब्रांच रूट्स दैट आर कॉल्ड एज द लेटरल रूट्स द टिप ऑफ द मेन रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल शेप्ड रूट कैप विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स और मेन रूट की जो टिप होती है उस वो कवर्ड रहती है एक थिम्बल शेप्ड के रूट कैप से ठीक है मतलब जो जो मेन रूट का जो टिप होती है दैट इज टिप uh, वाला पार्ट जो होता है वो एक थिम्बल शेप के रूट कैप से कवर्ड रहता है ताकि वो सॉइल पार्टिकल से डैमेज ना हो सॉइल पार्टिकल से उसको कोई डैमेज uh, ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप होती है थिम्बल शेप की uh, जिसको बोला जाता है रूट कैप राइट एग्जांपल्स आर यहाँ पे जो रूट कैप के एग्जांपल्स हैं दैट आर कैरट रेडिश पी एटसेट्रा राइट तो uh, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कैरट मतलब गाजर रेडिश मूली पी मतलब जो मटर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पी सो ऑल दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द टैप रूट राइट नाउ द सेकेंड टाइप इज द फाइबरस रूट फाइबरस रूट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं इन सम प्लांट्स द टैप रूट इज एबसेंट एंड मैनी फाइबर लाइक रूट्स आर ग्रोन बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें टेप रूट जो है वो एबसेंट रहती है मतलब जो स्ट्रेट वाली हमने रूट देखी थी इस तरीके से वैसी रूट एबसेंट होती है और मैनी फाइबर लाइक रूट्स आर ग्रोन और एज यू कैन सी ही यहाँ पर बहुत सारी सी फाइबर फाइबर मतलब पतले पतले रेशे होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर फाइबर so, जैसे बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकली हुई होती हैं, उन बोल उनको बोला जाता है फाइबरस रूट राइट जो टैप रूट थी दैट वॉज थिकर, बट द थिकर, इट इज थिन, इट इज थिनर एंड इट इज लाइक अ फाइबर, राइट अ नंबर ऑफ रूट्स ऑफ सेम सेम थिकनेस ग्रोइंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड द फाइबरस रूट्स और जो फाइबरस रूट्स होते हैं उनमें बहुत सारी उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और आ, उन सब की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है राइट right? सो so, जब एक प्लांट के बेस से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं विच आर कंपेरेटिवली थिनर एज़ कम्पेयर टू द टैप रूट तो उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं फाइबरस रूट्स राइट एंड दे आर थिनर दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन और ये जो रूट्स होती हैं वो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में होती हैं द एग्जाम्पल्स आर मेज़ सीरीयल ग्रास एट्सट्रा और इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज मतलब मक्का सीरियल्स मतलब जो आ, अनाज होता है वो दैट इज कॉल्ड एज द सीरियल्स देन ग्रास मतलब जो हमारी नॉर्मल घास होती है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रास सो ऑल दीज द फाइबरस रूट्स और इसके अपोजिट हमने जो देखी थी टैप रूट टैप रूट किन किन में होती है कैरेट रेडिश और पी में और फाइबरस रूट किन किन में होती है मेज सीरियल्स और ग्रासेस uh, में राइट right? नाउ इस रूट का फंक्शन क्या होता है मतलब ये रूट कि क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी प्लांट में रूट के होने से क्या आ, किसी प्लांट को बेनिफिट्स होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द फर्स्ट वन इज रूट्स होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन रूट्स क्या करती हैं रूट्स होल्ड करते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को एक साथ और सॉइल इरोजन से को प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं आपको पता है जो रूट्स हैं वो सॉइल के पार्टिकल को अपने आप अपने में होल्ड करके रखते हैं राइट तो इस तरीके से एयर के कारण या वाटर के कारण सॉइल का वेस्ट नहीं हो पाता है सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है एंड दैट्स वाई दे हेल्प टू प्रिवेंट द दॉइल इरोजन राइट इट एंकर द प्लांट टू द सॉइल और ये आ, प्लांट को सॉइल से एंकर करने का काम करते हैं मतलब प्लांट को सॉइल से जोड़ने का काम करते हैं राइट देन रूट्स फिक्स प्लांट्स टू द ग्राउंड एंड होल्ड द शूट ये प्लांट को फिक्स करते हैं ग्राउंड uh, में और शूट को होल्ड करते हैं हमको पता है प्लांट का जो अपर वाला पार्ट होता है सॉइल के ऊपर वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम तो शूट को होल्ड करने का काम कौन करता है रूट करती है अगर रूट ही नहीं होगी तो प्लांट को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो शूट को होल्ड uh, करने का काम कौन करती है रूट्स uh, और प्लांट uh, को फिक्स करने का काम भी कौन करती है रूट राइट नेक्स्ट इज इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल सिस्टम ऑफ द प्लांट ये सॉइल सिस्टम से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है ओके, okay? सो so, uh, हम जो भी खाद डालते हैं जो भी पानी डालते हैं वो सॉइल में ही डालते हैं तो सॉइल से वो खाद और पानी प्लांट तक कैसे पहुंचता है रूट्स की हेल्प से ओके सो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट और मिनरल्स को सॉइल से एंड दे एनरिच द प्लांट विद दैट मिनरल्स एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स ओके नाउ हियर वन इज गिवन टू यू

पर्टिकुलर फंक्शन कर पाए प्लांट के लिए राइट सो प्लांट के प्लांट uh, के लिए पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए रूट्स को मॉडिफाई किया जाता है टू परफॉर्म द फंक्शंस द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट अंडरगोज अ स्लाइड चेंज और uh, <coughs> कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए रूट uh, के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए जाते हैं स्लाइट चेंजेस किए जाते हैं दीज चेंजेस आर नोन एज द मॉडिफिकेशंस और ये जो चेंजेस होते हैं इन्ही को हम क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशंस ओके सो वॉट आर दो टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ ओके सो द फर्स्ट वन इज द रूट्स ऑफ प्लांट लाइक कैरेट टर्निप एट्सेट्रा स्टोर फूड एंड द स्वॉलन एंड फ्लैशी जो कैरेट टर्निप इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं फूड को स्टोर करती हैं राइट right? तो जब ये फूड को स्टोर करती है तो उसके कारण ये स्वॉलन हो जाती है मतलब थोड़ी सी फूल जाती है और फ्लैशी हो जाती है अभी हमने पढ़ा कि जो कैरेट की रूट होती है दैट इज कॉल्ड द टेप रूट और वो थिक होती है तो वो थिक क्यों होती है क्योंकि वो फूड को स्टोर करने का काम करती है राइट right? तो जब वो फूड को स्टोर करेगी वो तो वो थोड़ी सी स्वॉलन हो जाएगी और थिक हो जाएगी राइट right? जिसके लिए हमने यहां पे वर्ड्स यूज किए हैं फ्लैशी और स्वॉलन। सो वाई इज दैट सो इट इज बिकॉज इट एब्जॉर्ब द फूड राइट नाउ द सेकेंड पॉइंट गिवन हियर इज द रूट्स ऑफ द प्लान्ट लाइक दहलिया एंड एसपारागस आर कैन डेवलप इन टू द इन टू न्यू प्लांट्स और जो दहलिया और एसपारागस ये प्लांट के नेम्स हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो एक नए प्लान्ट डेवलप हो जाती है मतलब इनकी रूट्स से नए प्लान्ट बन जाते हैं राइट हमको पता है नया प्लांट के लिए हमको सीड की रिक्वायरमेंट होती है बट इन प्लांट के जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो रूट की हेल्प से न्यू प्लांट्स उग जाते हैं राइट सो इन इन प्लांट्स में जो रूट हैं वो न्यू प्लांट्स को डेवलप करने का भी काम करती हैं द थर्ड पॉइंट इज़ प्लांट लाइक बैम्बू बनियान एंड शुगर गिव आउट एक्स्ट्रा रूट्स फ्रॉम देयर ब्रांचेस एंड दैट ग्रोज डाउनवर्ड एंड एंकर इन सॉइल टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स सो एक बैम्बू की तरह बनियान की तरह शुगर केन की तरह जो जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि बैम्बू बनियान शुगर कैन दे गेव आउट एक्स्ट्रा रूट फॉर देयर ब्रांचेस दैट ग्रोज डाउनवर्ड एंड एंकर इन द सॉइल टू गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट सच रूट्स आर कॉल्ड एज द प्रॉप रूट्स सो uh, इन so, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को एंड दैट एक्स्ट्रा रूट्स दे आर सपोर्टिंग दैट आर गिविंग द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट आर कॉल्ड एज द प्रॉप रूट्स राइट सो प्रॉप रूट्स आर गिविंग द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट्स लाइक बैम्बू बैनियान और शुगर केन बिकॉज़ ये जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं इसलिए इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है uh, तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो जो रूट्स देती हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स एज यू कैन सी हियर यहां पे ब्रांचेस में से उनकी रूट्स निकलती हैं इस तरीके से ये ये जो दे रखी हैं दैट आर द दैट आर द प्रॉप रूट दैट आर गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट राइट देन मैंग्रोव प्लांट दैट ग्रोज इन मार्शी एरिया डेवलप ब्रीदिंग रूट्स दैट कम ओवर द वॉटर सरफेस मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वो बहुत मार्शी एरिया में मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा गीला एरिया होता है वेट वेट एरिया जो होता है वहाँ मैंग्रोव मैंग्रूव ग्रो करते हैं सो मैंग्रोव प्लांट्स में ग्रो करने के लिए अलग से रूट्स बनती हैं दैट आर कॉल्ड एज द ब्रीथिंग रूट्स एंड दे कम अबोव द वाटर सरफेस सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम दे ओके सो मैंग्रोव प्लांट में जो कि मार्शी एरिया में उगते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं जो कि सॉइल से बाहर आ जाती हैं राइट सॉरी जो वाटर सरफेस से बाहर आ जाती हैं एंड दैट आर कॉल्ड एज द ब्रीथिंग रूट्स ओके नाउ द प्लांट्स लाइक पियर बीन हैव स्मॉल स्वेलिंग ऑन द रूट्स कॉल्ड द रूट नोड्यूल्स uh, कुछ प्लांट्स जैसे कि पीयर हो गया बीन्स हो गए इन प्लांट्स के ऊपर इनकी रूट्स के ऊपर एक स्मॉल स्वेलिंग होती है स्वेलिंग मतलब सूजन बट यहाँ पे स्वेलिंग का मतलब है थोड़ा सा थिक पार्ट होता है राइट और उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमोस्पेरिक नाइट्रोजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सो देर आर सो मेनी गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सो ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये रूट नोड्यूल्स क्या काम करते हैं ये रूट नोड्यूल्स कुछ बैक्टीरियाज को होल्ड करते हैं एंड दीज बैक्टीरियाज़ हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं ओके okay? सो रूट्स में स्वेलिंग आती है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स और ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को होल्ड करने का काम करते हैं राइट सो ये दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द रूट्स ओके नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द शूट सिस्टम Now what do we mean by the shoot system and how it is helpful for us that we are going to discuss now. Shoot system includes all the part of the plant which are above the ground. Shoot system में वो सारे part आ जाते हैं plant के जो कि ground के ऊपर रहते हैं that are visible to us. तो part एक part plant के वो सारे part जो जिनको हम देख सकते हैं हमारी eyes से उनको बोला जाता है शूट सिस्टम राइट विच आर अबोव द ग्राउंड इट इंक्लूड्स द स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं स्टेम्स आ जाते हैं लीव्स, फ्लावर्स फ्रूट ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम राइट सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टाइप पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम फर्स्ट वन इज स्टेम इट इज़ द मेन एक्सेस ऑफ द शूट दैट दे ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स एंड फ्रूट्स स्टेम मतलब तना तना जो होता है वो मेन एक्सेस होती है एक शूट्स शूट की और ये जो मेन एक्सेस होती है ये क्या करती है ये ब्रांचेस को लीव्स को फ्लावर्स को बर्ड्स को फ्रूट्स को इन सब को होल्ड करने का काम करती है राइट सो स्टेम इज़ दैट मेन पार्ट ऑफ़ द मेन एक्सेस ऑफ द शूट दैट बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स फ्रूट्स एट्सट्रा राइट तो स्टेम को हम बोल सकते हैं एक मेन एक्सेस जिससे बाकी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं राइट तो प्लांट का एक मेन पार्ट जिससे बाकी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टेम मतलब कि तना ब्रांचेस मतलब शाखाएं लीव्स पत्तियां फ्लावर फूल बर्ड कलियां ओके एंड फ्रूट्स पता ही आपको जो फल होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द फ्रूट्स नाउ द नेक्स्ट इज नोड इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर न्यू ब्रांच एंड लीव अराइज ऑन द टिपिकल स्टेम प्लांट का वो पार्ट जहाँ से नई ब्रांच उगने वाली होती है या नई लीव उगती है उसको हम बोलते हैं नोड सो नोड इज़ दैट पार्ट ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर अ न्यू ब्रांच और अ न्यू लीव अराइज राइट तो वो पार्ट ऑफ प्लांट जहाँ से न्यू लीव या न्यू ब्रांच अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं नोड राइट नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनोड वट डू वी मीन बाई इंटरनोड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनोड ओके सो दो नोड्स के बीच का पोर्शन इज कॉल्ड एज द इंटरनोड एपिकल और टर्मिनल बर्ड एपिकल और टर्मिनल बर्ड का मतलब क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ अ बर्ड प्रजेंट ऑन टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांच इट हेल्प इन लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट ये वो बर्ड होती है जो कि स्टेम या ब्रांच की टिप पर होती है मतलब उसके अपर मोस्ट पार्ट पे होती है और ये लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करती है मतलब प्लांट की वर्टिकल uh, ग्रोथ में ये हेल्प करती है ओके सो एपिनल एपिटल सॉरी एपिकल और टर्मिनल बर्ड इज दैट पार्ट विच इज प्रजेंट ऑ ऑन द टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांच एंड इट हेल्प्स इन द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट मतलब लॉन्जिट्यूडनल या हम बोल सकते हैं वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट में ये हेल्प करती है राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जिलरी बर्ड एक्जिलरी बर्ड का मतलब क्या होता है इट इज़ द बर्ड प्रेजेंट वेयर लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम ये वो बर्ड होती है जो वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ पे जो लीव्स हैं वो स्टेम के साथ एक एंगल बनाती हैं राइट right? मतलब जब लीव्स और स्टेम किसी एंगल पे होंगे वहाँ पे जो बर्ड उगती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड इट गिव्स राइस टू ब्रांचेस और यहाँ से ही ब्रांचेस भी उगती हैं अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें पिक्चर की हेल्प से तो हम सारे पार्ट्स को समझ सकते हैं एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स दिस इज द पार्ट जहां से एक नई ब्रांच निकल रही है और एक नई लीव उग रही है राइट right? तो वो पार्ट जहां से एक नई ब्रांच निकलती है या नई लीफ उगती है उसको हम क्या बोलते हैं नोड राइट सो दिस इज द नोड इंटर नोड का मतलब अभी हमने पढ़ा था दैट इट इज द पोर्शन ऑफ द स्टेम वेर द बिटवीन द टू नोड्स राइट सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे भी एक नोड है तो इन दोनों नोट के बीच के जो गैप है ये वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड एज द इंटर नोड राइट तो दो नोड के बीच की जो गैप होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनोड सो ये नोड क्लियर ये वाला इंटर नोट ये इंटर नोट दिस इज द नोड हियर राइट सो आई आई होप तीनों चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक देन पेटियोल दिस इज द ऑक्सिलरी बर्ड दिस इज़ लीफ दिस इज स्टेम फ्लावर एंड दिस इज एपिकल बर्ड एपिकल बर्ड जो है वो टॉप पे है यहाँ पे एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट और ऑग्जिलरी बर्ड वहाँ पर है जहाँ पर ये लीव्स स्टेम के साथ एक एंगल पे है राइट सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यू कैन सी दिस पिक्चर फ्रॉम योर बुक एज वेल राइट सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू नाउ We are going to discuss some of the functions of the stem. हमने पढ़ा इसके पहले uh, functions of root, मतलब root क्या काम करते हैं plant में, root की क्या importance होती है plant में, this thing we have discussed. Now we are going to discuss कि stems का क्या function होता है plant में और एकतना plant को किस तरीके से support करता है, किस तरीके से helpful रहता है, right? So uh, the stems hold the plant upright, due to which इट ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट जो प्लांट होता है वो स्टेम्स को अपराइट होल्ड करने में हेल्पफुल रहता है राइट right? सॉरी uh, जो स्टेम होती है वो प्लांट को अपराइट होल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मतलब हम ये कह सकते हैं कि uh, एक एक प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहेगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेम राइट right? तो स्टेम एक तरह से एक बैकबोन का काम करती है जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए बैकबोन का काम करती है कि हम स्ट्रेट खड़े रहें वैसे ही एक प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे उसके लिए आ, कौन काम करता है इट इज़ द स्टेम राइट द स्टेम बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स एंड फ्रूट्स जो स्टेम होती है वो किन किन चीज़ों को बेयर करती है मतलब किन किन चीज़ों को आ, सपोर्ट करती है किन 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 चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें उससे अटैच्ड होती हैं सो दीज आर द ब्रांचेस मतलब शाखाएं लीव्स मतलब पत्तियां फ्लावर मतलब फूल बर्ड्स कलियां एंड फ्रूट्स सो ऑल दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द स्टेम ओनली राइट ये सारी चीज़ें प्लांट के तने से ही कनेक्टेड होती हैं वेन यंग इट इज़ ग्रीन एंड मैच्योर्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और जब प्लांट यंग होता है तो वो ग्रीन कलर की होती हैं आपको पता होगा जब प्लांट छोटा होता है तो स्टेम ग्रीन कलर की होती है और धीरे धीरे वो ब्राउन कलर की होने लग जाती है राइट तो जब ये ग्रीन कलर की होती है उस समय ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड भी मैन्युफैक्चर करती हैं हमको पता है कि लीव्स ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड मैन्युफैक्चर करती हैं बट लीव्स के साथ साथ स्टेम्स भी फूड uh, मैन्युफैक्चर करती हैं फोटोसिंथेसिस uh, की प्रोसेस से ओके द स्टेम्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द लीव्स टू द टिश्यूज कॉल्ड जाइलम हमको पता है कि हमने जितने भी वाटर दिया खाद दिया मिनरल्स दिए वो सब सॉइल में दिए राइट सॉइल से रूट उन मिनरल्स को और वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है अब रूट ने उनको एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन वो बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक कैसे पहुंचाएगा तो बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है स्टेम करती है स्टेम में कुछ टिश्यूज़ होते हैं हमने पढ़ा था कि कोई भी प्लांट या एनिमल सेल से मिलकर बना होता है और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं राइट सो so, स्टेम में एक तरह का टिश्यू रहता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम और फ्लोयम दो तरह के टिश्यू रहते हैं तो इन टिश्यूज़ की हेल्प से जो वाटर है और मिनरल्स हैं उनको ये स्टेम एब्जॉर्ब करके बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक मिनरल्स और वाटर को ले जाती है राइट इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स To other part of the plant through the tissue called phloem और जो खाना leaves बनाती हैं उस खाने को बाकी part of the plant तक ले जाने का काम कौन करता है phloem right so uh, water को carry करने का काम कौन करता है xylem और leaves से food को बाकी part of the plant तक ले जाने का काम कौन करता है phloem okay सो दीज आर सम द फंक्शंस ऑफ स्टेम कि कैसे स्टेम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट में दिस थिंग वी हैव सीन नाउ स्टूडेंट हियर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन टू यू दैट एक्टिविटी यू हैव टू रीड बाई योर ओन ओके सो दैट्स ऑल्व फॉर टूडे क्लास स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेम मॉडिफिकेशन जैसे हमने रूट मॉडिफिकेशन पढ़ा वैसे ही हम uh, पढ़ेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन कि कैसे एक स्टेम अपने आप में कुछ चेंजेस करती है टू सपोर्ट द प्लांट ओके सो दैट्स सॉल्व फॉर टूडेज क्लास थैंक यू